हे गाइस दिस इज योर होस्ट क्षितष मालवीय आई वेलकम यूल टू माय यूट्यूब चैनल अभी मार्केट में कई सारे ऐसे कॉइन है जो डेक्स पे लिस्टेड है और काफ़ी अच्छी रैली कर रहे हैं सो वेला इज़ वन ऑफ द एग्जांपल वेलो ट्रम इज़ अलोदर एग्जाम्पल और भी इस टाइप के कई सारे डीफाई वाले कॉइन है जो आर्बी ट्रम पे भी अच्छी रैली की है जिन्होंने ऑप्टिविज़म पे भी अच्छी रैली की है सो इस टाइप के कॉइन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं जिनमें यू नो टी काफ़ी अच्छी है जिनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है और जो फ्यूचर में अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं और अभी कई सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट अच्छा ग्रो कर रहे हैं एट द सेम टाइम उनका कॉइन भी अच्छा ग्रो कर रहा है तो ये डेटा कहाँ से मिलता है ये कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो मेक श्योर शोर यूबसाइट मॉय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो यू डॉट मिस एनी फ्यूचर अपडेट तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट फाइंड आउट करने हैं जिस पर ग्रोथ काफ़ी सही है फंडामेंटल लेवल पर कहीं ना कहीं उसकी जो प्राइस है वो भी आगे रिफ्लेक्ट कर सकती है प्राइस भी अच्छी इंक्रीज़ हो सकती है तो ऐसे कॉइन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक टूल यूज़ करना फ्रा पड़ता है उस टूल का नाम है टोकन टर्मिनल एंड टोकन टर्मिनल पे आपको ट्रैक करने पड़ते हैं प्रोजेक्ट्स और उसमें आपको रिसेंट एक्टिविटी देखनी होती, होती है रिसेंट ग्रोथ देखनी होती है ऑनसेन ग्रोथ किस टाइप से है तो कौन कौन से डेटा आपको यहाँ पर लुकआउट करने होते हैं वो थोड़ा समझते हैं तो सबसे पहले आपको टोकन टर्मिनल की वेबसाइट ओपन करनी है और इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि इसमें कौन कौन से डेटा आप देख सकते हो कौन कौन से डैशबोर्ड होते हैं डेटा कैसे यूज़ करना होता है तो वो वीडियो एक बार आप देख लेना ताकि आपको ओवरऑल इसका आइडिया लग जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है तो यहाँ पर आपको तीन डेटा चेक करना है एक टी वी एल का डेटा चेक करना है एक आपको रेवेन्यू का डेटा चेक करना है एक फीस का डेटा चेक करना है तो तीन डैशबोर्ड आपको यहाँ पे गो थ्रू करना है तो सबसे पहले टी वी एल वाले डैशबोर्ड में जाते हैं तो टी वी एल का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मैट्रिक्स में जाओगे तो यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड का जो डैशबोर्ड है वो टी वी एल का है टी वी एल मतलब उस पर्टिकुलर डिफाई प्रोटोकॉल में कितना अमाउंट जो है डिपोजिट किया है लोगों ने तो लैंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म में लोग डिपोज़िट करते हैं स्टेकिंग वाले प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट होता है इसके अलावा डेस्क पे भी डिपॉजिट होता है जब वो वो एल बनाते हैं तो इस टाइप से लोग डिपॉजिट करते हैं टीवीएल हाई होता है कई सारे प्रोटोकॉल्स का लीडो का टीवीएल काफ़ी हाई है मेकरडाउ का टीवीएल काफ़ी हाई है ऑलमोस्ट सेवन टू एट बिलियन डॉलर के आसपास है यहाँ पे जब आप स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड नीचे दिखेगा आपको इस पर जाके थर्टी डे का जो ये टैब है इस पर क्लिक करना है और आपको देखना है थर्टी डेज के हिसाब से किसकी टी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है ठीक है तो सबसे फर्स्ट पर आ रहा है गामा स्ट्रेटजी इसको आप टैब इसका ओपन करो और देखो ये प्रोजेक्ट क्या करता है ठीक है तो इसका टी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ मतलब टी की ग्रोथ काफ़ी सही हुई है वो एक अच्छा मैट्रिक्स है अभी ट्वेंटी मिलियन डॉलर के आसपास टी है ठीक है अभी इसका सर्कुलेटिंग मार्केट कैप देखो सेवन मिलियन के आसपास ही है और इसका आप एफ डी देखो थर्टीन मिलियन के आसपास ही है तो जब आप इस टाइप से देखते हो कि जो एफ है वो टी से कम है इतना मेजर डिफरेंस है लाइक ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट इससे कम है और इसका जो सर्कुलेटिंग मार्केट कैप है इसका ऑलमोस्ट आधा है आधे से भी ज़्यादा है और इसका जो सर्कुलेटिंग मार्केट का वो इसका ऑलमोस्ट आधा है राइट तो उस केस में एक अच्छी मैट्रिक्स होती है कि अंडर वैल्यू है आगे जा प्राइस हो सकता है और एट द सेम टाइम जब आप ये देखते हो कि इसका टीवेल की ग्रोथ इतनी अमेजिंग हुई है पिछले तीस दिनों में सिक्स फोर्टी सिक्स परसेंट की ग्रोथ हुई है और एट द सेम टाइम जब आप ये देखते हो थर्टी डेज़ के हिसाब से इसकी प्राइस कितनी ग्रोथ हुई है तो प्राइस वन फिफ्टी ग्रो हुई है तो जब प्राइस कम ग्रो होती है टीवेल की ग्रोथ से उस केस में यहाँ पर और ये आगे बढ़ सकता है ये एक यहाँ पे फंडा होता है तो वो सारे पैरामीटर के हिसाब से वो सारे वैलिडेशन के हिसाब से ये जो कॉइन है गामा एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जो आगे जाके रैली करे उसके बाद फिर आपको क्रॉस चेक करना है कि इसका चार्ट कैसा है टेक्निकल कैसा है उसके हिसाब से आप यू नो डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है ठीक है दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे खाली एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल ही ऐसा ब्लाइंडली कॉइन बाय मत कर लेना ये कॉइन है आगे दो तीन कॉइन और मैं इस पर बताऊँगा बिल्कुल ब्लाइंडली उस पर पैसा मत डालना आपका पैसा डूब सकता है इसको सीखो प्रोसेस को सीखो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हो ताकि आप सीख पाओ कि इस तरीके से आप फाइंड आउट खुद कर सकते हो उस तरीके से आप आगे जाके अपना खुद का विजन बना सकते हो खुद का इंसाइट बना सकते हो और अच्छी पोजीशन खुद बिल्ड कर सकते हो तो यहाँ पर क्या हमने देखा टी देखा टी की ग्रोथ देखी टी की ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव थी राइट इसके साथ हमने ये देखा कि प्राइस जो है वो कम बढ़ी है टी वेल ज़्यादा बढ़ा है इसके साथ हमने ये देखा कि जो टी जो है वो एफ से ज़्यादा है और मार्केट कैप से ज़्यादा है तीन चीज़ें हमने देखी उससे हमको ये मालूम पड़ा कि ये जो कॉइन है अच्छा कॉइन हो सकता है इस कॉइन को फिर आगे और स्टडी करना है इसके बारे में पढ़ना है इसकी वेबसाइट विजिट करनी है इसका ट्विटर पेज पे जाना है इसका टेक्निकल देखना है तीन चार चीजें और देखनी है फिर जाके आपको कॉल लेना है कि इस पर पैसा डालना है या नहीं डालना तो रिसर्च फिर आपको और इस पर डीप में करना पड़ेगा तो ये एक, एक एग्जाम्पल हो गया ठीक है इसी तरीके से आप यहाँ पे गेंस नेटवर्क का देख सकते हो तो गेंस नेटवर्क की प्राइस भी काफी बड़ी है तो गेंस नेटवर्क में भी सेम मेट्रिक्स इसी टाइप से थे उसका टीवीएल भी काफी अमेजिंग राइज हो रहा था पिछले काफी टाइम से और प्राइस थोड़ी सी लैग कर रही थी और प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा सही रैली कर रही है मैंने गेंस नेटवर्क को एक वीडियो में कवर किया था मैंने कुछ महीने पहले एक लो कैप्स का वीडियो बनाया था लो कैप की लिस्ट निकाली थी उसमें गेंस नेटवर्क को भी कवर किया था उस टाइम इसकी प्राइस दो डॉलर के आसपास थी अभी इसकी प्राइस सेवन डॉलर चल रही है इसका रीज़न ये है कि इसका ओवरऑल सारे फंडामेंटल काफ़ी सही है इसकी ऑन चेन ग्रोथ काफ़ी सही है तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो वो भी पिछले तीस दिनों में काफ़ी बड़ा है और इसका टी वी एल फोर्टी सेवन मिलियन के आसपास है और इसका टी वी एल ग्रोथ भी काफ़ी अमेजिंग है ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका बड़ा है फीस इसकी बड़ी है यहाँ पे रेवेन्यू बड़ा है सब कुछ ही प्लस है राइट रेवेन्यू फोर हंड्रेड परसेंट के आसपास बढ़ा है सारे मेट्रिक्स यहाँ पे प्लस है और ये कॉइन तो ऑलमोस्ट रैली really कर चुका है और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अगर आप टी वी एल देखोगे तो वो एफ डी वी से कम है और सर्कुलेटिंग मार्केट कैप से भी कम है तो अभी इसमें हाथ डालने से मतलब नहीं है बट इस पर पहले ऐसा था कि इसका टी काफ़ी ज़्यादा था मार्केट कैप कम था तो अभी जो टी है मार्केट कैप से कम है और एक टाइम पे काफ़ी अंडर वैल्यू कॉइन होता था गेंस नेटवर्क जब मैंने सजेस्ट किया था अभी नहीं है बट इसको आप ट्रैक कर सकते हो अच्छा प्रोजेक्ट आगे जाके आप देखो कि रेवेन्यू और बढ़ता है और आगे जाके क्या पता टी और बढ़ जाए तो उस केस में यहाँ पे और भी अच्छी रैली फ्यूचर में भी हो सकती है उसी तरीके से फिर आप ये रेडियंट कैपिटल को देखो तो इसकी भी ग्रोथ रिसेंटली काफ़ी सही हुई है तो जिन लोगों ने बाय किया वो सब यही डेटा देखते हैं ये डेटा देख के हम को पता चलता है कि आगे जाके कौन सा कॉइन रैली कर सकता है थर्टी डेज में यहाँ पे फोर सिक्सटी परसेंट की रैली आई है रेडियंट कैपिटल को मैंने कवर किया था एक वीडियो में जब मैंने रियल वर्ल्ड का वीडियो बनाया था उस टाइम मैंने बोला था कि रेडियंट कैपिटल आप बाई करके स्टेक भी करोगे तब भी बहुत फ़ायदा है ट्वेंटी फोर फाइव परसेंट के आसपास ए पी आर थी तब इसकी कॉइन की प्राइस भी पॉइंट जीरो फाइव डॉलर के आसपास थी तो वहाँ से ऑलमोस्ट फाइव एक्स की रैली हो चुकी है राइट right, सो so, वो कॉन्टेंट ऑलरेडी वैसे कई सारे कॉन्टेंट मैंने बनाया है जिसपे कई सारे कॉइन ऑलरेडी मैंशन मैंने किए हैं जो आज के टाइम में रैली कर रहे हैं तो जिसने ध्यान से देखा होगा तो उसने अपना थोड़ा रिसर्च करके लिए भी होगी और प्रॉफिट कमाया भी होगा तो यहाँ पे भी काफ़ी मैट्रिक्स है फीस भी यहाँ पे देखो राइज हुई है यहाँ पे टीवीएल भी राइज हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू भी राइज हुआ है तो उसके हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं फॉलोअप की प्राइस भी काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे राइज हुई है तो इसको लेने से मतलब ये ऑलरेडी बढ़ चुका है यहाँ पे उसका टी वी एल है वैसे तो सर्कुलेटिंग मार्केट कैप से ज़्यादा है बट एफ डी वी से कम है सर्कुलेटिंग मार्केट कैप से भी टी वी एल ज्यादा तो एक अच्छी मेट्रिक्स होती है बट एफ डी वी से अगर टी वी एल ज़्यादा तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता तो वो चीज़ यहाँ पर देखनी होती है तो सबसे पहला डेटा हो गया टी वी एल तो टी वी एल के हिसाब से आप इस पर गो थ्रू करके बाकी सारे प्रोजेक्ट पर देख सकते हो किसका टी वी एल मार्केट कैप से ज़्यादा है और उस पर टी की ग्रोथ किस पे ज़्यादा है उसके प्राइस की ग्रोथ से थर्टी डेज का डेटा देखो उसके हिसाब से आपको आइडिया लगाना है प्रोजेक्ट को गो थ्रू करना है प्रोजेक्ट के डीप में जाना है ट्विटर को चेक करना है राइट उसके बारे में और पढ़ना है उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि आपके उस आपको उसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है वो आपका खुद का कॉल है पैसा लगाओगे रिस्क मैनेज करना है पैसा डूब सकता है ये भी माइंड में रखना है तो पहला डेटा हो गया टी वी एल डेटा जो आपको यहाँ पर देखना होता है डैशबोर्ड पर वो होता है रेवेन्यू का तो कई सारे जो डैप्स है कई सारे जो प्रोटोकॉल्स है वो रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रहे हैं तो जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है तो वहाँ पे भी पैसा लगाया जा सकता है तो थर्टी डेज़ का अगेन यहाँ पे आपको देखना है और थर्टी डेज़ के हिसाब से कहाँ पे कितनी ग्रोथ हो रही है वो देखना है बट यहाँ पे रेवेन्यू की साइज है वो भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए एटलीस्ट हंड्रेड के से ज़्यादा अगर आपको रेवेन्यू दिखता है थर्टी डेज़ के हिसाब से वहाँ पर थोड़ा मज़ा आ सकता है तो बोटो जो है वो एक अच्छा यहाँ पे एक कॉइन यहाँ पर दिख रहा है जो हंड्रेड के से ऊपर इसका रेवेन्यू वन के के आसपास थर्टी डेज़ का रेवेन्यू है और 847 परसेंट का यहाँ पे राइज़ आया है तो बोटो जो है वो भी अच्छा कॉइन है तो इस पर थर्टी डेज़ में ऑलरेडी ये सेवन एक्स के आसपास राइज हो चुका है मतलब ये करेक्शन यहाँ पे आ सकता है इसका एफ जो है फिफ्टी मिलियन है सर्कुलेटिंग मार्केट के एलेवन मिलियन है और फीस जो जनरेट किए वो वन के आसपास किए वन एटी के आसपास किए तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि फ़ीस जो है अगर काफ़ी ज़्यादा जनरेट किए फीस की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और प्राइस की ग्रोथ उतनी नहीं है उस केस में आप थोड़ा रिसर्च करके वहाँ पे आप अपना कॉल ले सकते हो यहाँ पे क्या है कि फ़ीस का जो ग्रोथ है वो अमेजिंग है एट द सेम टाइम प्राइस ने भी उसको मैच कर लिया ऑलमोस्ट तो यहाँ पे लाइक इट्स नॉट ए अंडर वैल्यू एनी मोर बट पहले ये था पहले इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी और इतना प्राइस बढ़ा नहीं था प्राइस अभी पिछले सात दिनों में काफ़ी बढ़ा है उससे पहले इतना नहीं बढ़ा था तो सात दिन पहले काफ़ी अच्छा इसका एंट्री था तो सिमिलरली आपको और डीप डाइव करना है और प्रोजेक्ट्स आपको इस पर जाके देखना है तो जैसे वेलोड्रम का अगर देखते हैं तो वेलो ड्रम रिसेंटली काफ़ी बड़ा है और वेलो ड्रम में भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला वेलो ड्रम अभी भी अंडर वैल्यू है क्योंकि वेलोड्रम में जो टी वी एल है वो वन सिक्सटी सेवन मिलियन के आसपास है और उसका सर्कुलेटिंग मार्केट का वो थर्टीन मिलियन है एफ डी बी से ऑलमोस्ट डबल इसकी टी वी एल है वो काफ़ी अमेजिंग है थ्री हंड्रेड सिक्सटीन परसेंट का यहाँ पे ग्रोथ दिखा है और प्राइस भी उसके हिसाब से सेवन डे में काफ़ी बढ़ी है थर्टी डे में काफ़ी बढ़ी है बट फिर भी ये थोड़ा सा अंडर वैल्यू है टी के हिसाब से तो आगे और यहाँ पे ग्रो हो सकता है तो रेवेन्यू भी आप देखो रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी सही है तो इसके हिसाब से आपको देखना है और यहाँ पे और भी प्रोटोकॉल है मक्स ये भी काफ़ी सही है तो इसको भी आप देख सकते हो तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो आ, यहाँ पर भी फीस थ्री के आसपास बढ़ी है प्राइस थोड़ी कम बढ़ी है उससे तो ये कहीं ना कहीं मैच ये भी हो सकता है फीस ज़्यादा ग्रोथ हुई है और प्राइस की ग्रोथ कम हुई है और फीस की साइज़ भी काफ़ी सही है थ्री फिफ्टी के, के आस पास फीस जनरेट की है तो इस पर आपको आगे जाके और डीप डाइव कर सकते हो आगे और इसके बारे में पढ़ सकते हो और उसके बाद आप चाहो तो ले भी सकते हो ठीक है तो इस टाइप से आपको ये देखना है और फीस और रेवेन्यू दोनों देखना है जैसे अभी मैंने यहाँ पे कई जगह फीस देखा रेवेन्यू देखा और टी वी एल ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो कई भी कोई भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो तो तीनों डैशबोर्ड देख लिया करो टी वी एल भी देख लिया करो फीस भी देख लिया करो रेवेन्यू भी देख लिया करो जब आपको लगता है रेवेन्यू ग्रोथ प्राइस की ग्रोथ से ज़्यादा है तो उसको थोड़ा रिसर्च करो और रेवेन्यू साइज जो एटलीस्ट हंड्रेड के है तो उस पर थोड़ा रिसर्च करो उस पर ग्रोथ दिख रही है तो उसको थोड़ा रिसर्च करो टीवीएल तो जब आपको लगता है कि मार्केट कैप से ज़्यादा है एफ से ज़्यादा तो उसके बारे में रिसर्च करो समझो उसके उसके साथ क्या हो रहा है क्यों उसकी इतनी ग्रोथ हुई है टीवेल की ग्रोथ काफ़ी सही लग रही है थर्टी डेज में तो उसको थोड़े उसके बारे में वापस रिसर्च करो मतलब यहाँ पे आपको ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो दस बारह कॉइन हमको दिख रहे हैं वो अच्छे कॉइन हो सकते हैं दस बारह कॉइन के बारे में फिर मेरे को और सेकेंडरी रिसर्च करनी है फिर पता लगाना है ये दस बारह कॉइन है उसमें से कौन सा कॉइन में मेरे को पैसा डालना है कितना पैसा डालना है कैसे रिस्क मैनेज करनी है कितने टाइम के लिए डालना है कब एग्जिट करना है कब एंट्री लेनी वो सब पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो आपको समझना है कि, कि किस टाइप से एंट्री ली जाती है किस टाइप से पोजिशन बिल्ड की जाती है कैसे एग्जिट प्लान किया जाता है तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया है वो आप चेक कर सकते हो उसको देख के काफ़ी कुछ आपको इनसाइट मिलेगी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आई होप आपको इनसाइट अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी और आपके जो भी थॉट्स है वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल उसके आंसर दूंगा। थैंक यू